ओवरथिंकिंग, ये ना दोस्तों आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ आपका कि सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को पहचाना, फाइंड आउट किया एंड देन आपने उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। दैट्स वाई आप इस वीडियो पे आए हो एंड आई प्रोमिस कि इस वीडियो में आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। देखो, किसी भी चीज के बारे में जब हम हद से ज्यादा सोचने लग जाते हैं बिना मतलब के, या फिर हम कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाते, हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, सही होगा गलत होगा, हम उसके प्लस माइनस में उलझ के रह जाते हैं एंड इससे ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है ना वो बिल्कुल ही लो हो जाती है। अब क्योंकि हर टाइम हमारा दिमाग लिमिट से ज्यादा सोचता रहता है, हर टाइम वो चलता रहता है, रेस्ट नहीं करता एंड दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग टायर्ड एवरी टाइम। हमें लो फील होता है, जैसे कि बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। ओवरथिंकिंग की वजह से हमें टाइम की शॉर्टेज रहती है, जितने काम हमें दिन में करने होते हैं वो हम नहीं कर पाते। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, साथ ही हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है, हम अपनी किसी भी बात पे कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है। देखिए, एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, उनको लगता है कि ओवरथिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि हम कम सोचेंगे या फिर नहीं सोचेंगे। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे लोग। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट या फिर बिजनेसमैन हैं, जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो हमसे ज्यादा सोचते थे या फिर कम? ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा सोचते थे, राइट? इट मींस Thinking is not the problem. If you are trying to find the solution of any problem, then it is good. Even it is normal. We are humans. We have the power of thinking. So don't try to be stop thinking or less thinking to overcome this problem. ये इसका solution नहीं है। सोचना अच्छी बात है। एक line बोलना चाहता हूँ कि clarity of thinking is much more important than confusions. हमें सोचना है लेकिन सही direction में, confuse नहीं होना है। For example, हमें कोई decision लेना है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके plus minus में उलझ के खो जाते हैं एंड फाइनली हम डिसीजन भी नहीं ले पाते। और यहीं पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी चीज को लेके ना बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और जिस भी चीज को लेके हम ज्यादा सीरियस होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, बिकॉज वहीं पे हम ज्यादा कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो किसी भी बात को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें उतार चढ़ाव सही गलत चलता रहता है, बस डिसीजन लो एंड रिजल्ट का वेट करो, दैट्स इट। दूसरा सोल्यूशन, ट्राई टू बी मोर सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ घुलो मिलोगे, उनसे बातें करोगे, ओवरथिंकिंग से आप उतना ही जल्दी बाहर आओगे। अकेले रहने की आदत छोड़ दो। तीसरा सोल्यूशन, डेली एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। एंड नंबर फोर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी लाइफ में नए नए पैशंस को, अपनी नई नई हॉबीज को पहचानो और उनको ऐड करो, नई नई आदतें बनाओ। वो आदत आपकी पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कोई भी गेम हो सकता है, ऑफलाइन गेम, जो भी आपको पसंद है या फिर बचपन में पसंद होता था, उस आदत को ऐड कर लो अपने डेली लाइफस्टाइल में। बिलीव मी, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, देन यू डोंट हैव टू रिमूव द अटेंशन, जस्ट मूव द अटेंशन। आपने अपना ध्यान वहां से हटाना नहीं है, बल्कि दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना है, अपने आप को बिजी रखना है एंड बिलीव मी कि आप बहुत ही जल्दी 20 दिन में या 25 दिन में इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। डॉक्टर से, टेबलेट से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आपने खुद ही पैदा किया है। अपनी आदतों को, आपके ब्रेन में इस तरह के पैटर्न्स फिक्स हो गए हैं, उनको आपने ही ब्रेक डाउन करना है अपनी आदतों को बदल करके, और वो आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक। इफ यू एंजॉय द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।